वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो, कर दिया, चल पढ़ाओ। और दोस्तों कैसी चल रही है लाइफ? वैसे मेरी जिंदगी तो झंड हो रखी है, पापा पॉकेट मनी नहीं दे रहे, मांग मांग के परेशान हो गया हूँ, फ्रीडम का एफ भी नहीं है जिंदगी में। तुम लोग कमेंट करके बताना तुम्हें कितनी पॉकेट मनी मिलती है और तुम वो पाने के लिए क्या करते हो। चलो तो फिर आज की कहानी का नाम है द लिटिल गर्ल, और इस गर्ल को पैदा करने वाली यानी ऑथर का नाम है कैथरीन मैंसफील्ड। तो ये कहानी है एक लिटिल गर्ल की जिसका नाम है कीजिया। उसकी फैमिली में उसके पापा, मम्मा और दादी थी, और एक और बावर्ची भी था एलिस नाम का। कीजिया अपनी दादी के बहुत क्लोज थी, पर उसको अपने पापा से बहुत डर लगता था। उसे अपना बाप हल्क जैसा लगता था, क्योंकि वो भी दिखने में हल्क की तरह बहुत बड़े थे और हमेशा गुस्से में रहते थे। वो रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले कीजिया को एक गुड बाय किस देते थे, पर हमेशा की तरह कीजिया सिर्फ उनके ऑफिस जाने की खुशी मनाती थी। शाम को ऑफिस से आने के बाद उसके स्ट्रिक्ट पापा रूम में बैठे बस ऑर्डर देते रहते थे, मेरी चाय और न्यूज़पेपर क्यों नहीं आया अभी तक, कीजिया इधर आओ, मेरे जूते निकालो। कैसा बाप है ये, कौन अपने बच्चे से जूते निकलवाता है, इसने बच्चा पैदा किया था या नौकर? जब कीजिया अपने पापा के रूम में जाती उनके जूते उतारने के लिए, तब उसके पापा उससे पूछते, आज तुमने कोई शैतानी तो नहीं की? तब कीजिया का हमेशा रिप्लाई आता, पता नहीं पापा। कीजिया किसी के सामने भी नहीं अकलाती थी, पर वो अपने पापा से इतनी डरती थी कि हमेशा कितना ही ट्राई क्यों ना करे वो ढंग से बोल ही नहीं पाती थी। कीजिया के पापा सिर्फ संडे के दिन ही शांत रहते थे, क्योंकि संडे को वो पूरे दिन खराटे मारते हुए सोफे पर सोया करते थे। वहीं दूसरी तरफ उनके पड़ोस में मिस्टर मैकडॉनल्ड्स रहते थे, जिन्होंने मैकडी में खा खा के 5 बच्चे पैदा कर दिए थे। कीजिया जब भी उनको देखती थी वो अपने बच्चों के साथ टैग खेल रहे होते थे, टैग यानी अंग्रेज लोगों का पकड़म पकड़ाई। उनके 5 बच्चे अपने पापा के साथ हमेशा खुश नजर आते थे। तब कीजिया को लगता है कि अलग अलग टाइप के पापा होते हैं, और अभी के लिए वो इस स्ट्रिक्ट से पापा हल्क के साथ फंस चुकी है। तो एक बार कीजिया की दादी उसके रूम में आई और कहा, कीजिया तुम्हारे पापा का बर्थडे नेक्स्ट वीक है, तुम्हें गिफ्ट में कुछ देना चाहिए, जैसे कि पिनकुशन। पिनकुशन का मतलब एक तकिया। तो कीजिया अपने पूरे एफर्ट्स के साथ येलो सिल्क के कपड़े से एक सुंदर सा पिनकुशन बनाती है, पर उसके पास उसमें भरने के लिए कुछ भी नहीं था। वो पूरे घर में देखती है, उसे कुछ हाथ नहीं लगता। फिर उसे अपनी मम्मा के रूम में कुछ पेपर्स दिखते हैं। कीजिया उन पेपर्स के टुकड़े टुकड़े करके तकिए में भर देती है और उसका गिफ्ट रेडी हो जाता है। पर फिर उसी रात कीजिया के पापा को अपनी पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच नहीं मिल रही थी। अब तुम लोग तो समझदार हो ही, समझ गए होगे कि कीजिया ने जो पेपर्स फाड़ के पिन कुशन बनाया था उसमें ही पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच थी। देखो दोस्तों, अपना टाइम आएगा कि नहीं आएगा, पर कीजिया का टाइम आ गया था। तो अब कीजिया का क्या होगा वो हम पता लगाएंगे अगले एपिसोड में। पापा क्या मैंने बताया आप कितने जवान लग रहे हो? देख बेटा, पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, पॉकेट मनी जैसी चीजें बच्चों को बिगाड़ देती है, तुझे जो चाहिए मुझे बता, मैं ला के दूंगा। अरे बस बस बस, क्यों झूठा दिलासा दे रहे हो? थर्ड क्लास में रिमोट कंट्रोल कार मांगी थी, आज तक नहीं मिली। अच्छा सुनो, सफेद बाल आ रहे सर पे, थोड़ी मेहंदी लगाना शुरू करो। Hospital, 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 h
नॉस्टेलेरिकिया के पापा ही नॉस्टेलेरिकिया।